प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व विभिन्न विभागों की मनमानी कार्यवाही पर अवैध वसूली के खिलाफ प्रदेश भर के रेत व्यापारी आक्रोशित है। जहां होशंगाबाद और भोपाल के रेत व्यापारी 15 दिसंबर से हड़ताल पर है, वहीं इंदौर रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन 24 दिसंबर रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए। रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा, सचिव मनीष अजमेरा ने बताया कि नोटबंदी और लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग और रेत व्यापार पहले से ही बर्बाद हो चुका है। खदान ठेकेदार द्वारा रेत का पूरा मूल्य लिया जाता है और रॉयल्टी कम की दी जाती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, RTO, माइनिंग, जिला प्रशासन जैसे विभाग रेत ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी कार्यवाही करते हुए धारा 379 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों पर कार्यवाही करने वाले तंत्र द्वारा खदान ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो रेत की मात्रा अनुरूप रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। प्रदेश भर के रेत ट्रांसपोर्टरों का हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। देवास रेत व्यापारी भी आज से हड़ताल कर रहे हैं। सीहोर, अलीराजपुर, रतलाम के रेत व्यापारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। रेत व्यापारियों द्वारा पालदा स्थित रेत मंडी पर धरना दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से रेत व्यापारी मांग करते आ रहे हैं सरकार से कि खदानों से रेत की मात्रा निर्धारित कर दी जाए, और चेकिंग के नाम पर जो प्रशासन के द्वारा रेत ट्रांसपोर्टरों को परेशान किया जाता है वो कार्रवाई बंद हो। लेकिन पिछले 10 वर्षों में नोटबंदी और कोरोना काल की परिस्थितियों के चलते बर्बाद हो चुका ट्रांसपोर्टर अब शिवराज सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद है। इन्हीं सब बातों के चलते हुए अभी एक नए कानून के तहत मोटर मालिक पर धारा 379 के तहत कार्रवाई करना शुरू कर दी गई, जिसमें मोटर मालिक और ड्राइवर को जेल पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। इन सबसे व्यथित होकर और आक्रोशित होकर रेत ट्रांसपोर्टर आज पूरे प्रदेश के रेत व्यवसायी हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन को हड़ताल इसलिए करनी पड़ी कि प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा। हम विगत 10 सालों से अंडर लोड की मांग लेके चल रहे हैं कि हमें खदान पे ही कांटे लगवाए जाए, खदान पे ही राल्टी के बराबर माल दिया जाए। इससे ज़्यादा यदि माल देते हैं तो खदान वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए, न कि गाड़ी वाले के ऊपर। प्रशासन सीधा मोहरा बनाता है सिर्फ वाहन मालिक को, खदान मालिक को पूरा बचा ले जाता है। इस वजह से लेके हमने हड़ताल चालू की। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।